पादुकोणे और रणवीर सिंह माता और पिता बन चुके हैं, और यही बहुत बड़ी खुशखबरी जिस तरीके से वो फैंस के साथ शेयर की उन्होंने इस साल के जनवरी में कि सितंबर में हमारा लिटिल बंडल ऑफ जॉय यानी कि हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। यहीं पर दीपिका पादुकोणे की डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि इस टाइम पर इनकी डेट ऑफ डिलीवरी 28th of September सबके सामने इनके उन्होंने रिवील कर दी है। बहुत जल्द वो अपने बेबी को इस दुनिया में लेकर आएंगी, लेकिन इसके अलावा वो कहाँ पर बेबी को डिलीवर करेंगी, साउथ बॉम्बे में, वहां पर वो अपने बेबी को डिलीवर करेंगे। और इसके अलावा दीपिका पादुकोणे ने अपने वर्किंग शेड्यूल से, इस टाइम पर भी ब्रेक में है लेकिन अपने वर्किंग शेड्यूल से बेबी से लेकर मार्च 2025 तक यानी कि मार्च 2025 तक मुकम्मल ब्रेक ले रखी है, यानी कि वो कोई भी काम कुछ भी नहीं करेंगी। सितंबर 28th को बेबी डिलीवर करने से लेकर मार्च 2025 तक वो शायद, अगर ये कहा जाए कि वो स्क्रीन से बिल्कुल गायब होगी, वो ऑफ स्क्रीन होंगी, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। खैर व्यूअर्स, आपको ये सुनकर कैसा लगा कि 28th ऑफ सितंबर बेबी की दुनिया में आने की डिलीवरी डेट है? इसके अलावा उनकी हॉस्पिटल की डिटेल्स और इसके अलावा उनकी मैटरनिटी लीव की डिटेल्स जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।